नारी शिक्षा पर अधिक जोर देने की जरूरत है। इसमें प्रगति भी हुई है। मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में हम पूरे देश को साक्षर बनाने में सफल होंगे। एक अभियान के रूप में अगर साक्षरता के प्रसार का आंदोलन लिया जाए, कार्यक्रम हाथ में लिया जाए, और मुझे बताया गया है, मैंने अभी सुना जोशी जी के भाषण में, कि इस तरह के प्रयास हुए हैं, उनके फल भी हमें मिले हैं। आपने बुलाया सर? हाँ, आइए बैठे बैठे। अभी हम उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए ये जो कैसेट मैं देख रहा हूँ, इसमें प्रधानमंत्री जी का भाषण है जी। उनकी हर साल हम जो स्मारिका छापते हैं उसमें इसके इस्तेमाल के लिए आप इस भाषण को ट्रांसक्राइब कराने के लिए भेज दीजिए। शिक्षा को संविधान के अंतर्गत। और हाँ, ये एक मैगजीन है, इसमें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है। वो कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा है, और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि उनके देश का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रह जाए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि किसी भी देश का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उसमें शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रसार हो। ऐसे बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें भी इसी तर्ज पे काम करना चाहिए। हालांकि हमारे हालात उनके हालात से कुछ अलग है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस लेख में उन्होंने कही है, वो ये कहते हैं कि वो अपने देश के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देना चाहते हैं और इसके लिए वो समर्पित होना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमें भी इसी तरह के समर्पण की जरूरत है, खासतौर से प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। जी सर। पर हाँ, ये एक और लेख है, इसे भी आप स्मारिका में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी तीन प्राथमिकताएं हैं, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। इसको भी स्मारिका में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है सर। सर आप जाने वाले थे इलाके के दौरे पर? हाँ भाई, अब यहाँ नया नया आया हूँ, चाहता हूँ कि इलाके का दौरा करूँ और देखूँ कि यहाँ प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं। जी सर, जरूर जाइएगा, गायत्री देवी जी से जरूर मिलिएगा। क्या नाम कहा आपने? गायत्री देवी। गायत्री देवी सर, उन्होंने अपने गाँव में प्रौढ़ शिक्षा के लिए बहुत काम किया। प्रौढ़ शिक्षा क्यों सर? उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, महिला जागृति, स्वास्थ्य और स्वच्छता के कार्य क्षेत्र में बहुत काम किया। उनसे मिलना जरूर चाहूंगा। अच्छा, तुम लोग अपने सवाल याद करो, मैं आती हूँ। क्या बात है? वो शहर से कोई बड़े अफसर आए आपसे मिलने। मुझसे मिलने? मुझसे उन्हें क्या काम है? ये तो पता नहीं माँ, लेकिन शायद शिक्षा विभाग से आए हैं। शिक्षा विभाग से? अच्छा, तुमने उन्हें बिठाया ना? हाँ माँ, मैं उनको अंदर बिठा कर ही आया था। अच्छा, तुम चल के उन्हें पानी वानी पिलाओ, मैं कक्षा बंद करके आती हूँ। ठीक है माँ। सुनो। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा वो शिक्षा विभाग से आए हैं? माँ, उनकी गाड़ी पर लिखा हुआ था शिक्षा निदेशालय। राहुल, पूछना चाहिए था ना। मैंने पूछा था ना माँ, वो ड्राइवर ने कहा कि अपनी माँ को जाकर बोलो कि शहर से कोई बड़े अफसर आए हैं। अच्छा। कुछ नाम भी बताया था।
हाँ देवेंद्र वर्मा। क्या नाम बताया? देवेंद्र वर्मा माँ। अच्छा तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है। जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आप? मेरा नाम गायत्री देवी है। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। जी जी धन्यवाद। जी आप ही हैं वो गायत्री देवी जो महिला मंडल की अध्यक्षा? मैं कोई अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं हूं, सिर्फ एक सेविका हूं। लेकिन यहां तो आपकी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर के समान है। देवी की तरह पूछते हैं यहां के लोग आपको, शिक्षा और जागृति की अग्रदूत मानते हैं। सबके सब यही कहते हैं कि आपके रहते इस गांव का कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। ये उनका बड़प्पन है। बात सिर्फ इतनी सी है साहब कि अंधकार में आगे बढ़ने के लिए इंसान को स्वयं अपने पैरों पर भरोसा नहीं रहता, मगर उजाला उनके सामने विकास के सारे रास्ते खोल देता है। मैंने अज्ञान के इस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का प्रयास किया है। बाकी रास्ते तो प्रकाश ने स्वयं खोल दिए, मगर माफ कीजिएगा साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्षमा चाहता हूं, अपना परिचय नहीं दिया। मैं देवेंद्र वर्मा हूं, शिक्षा निदेशालय में निदेशक हूं। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लेने के लिए मैं इस इलाके में दौरे पर आया। आपकी बहुत तारीफ सुनी तो मन में इच्छा हुई कि आपसे मिलता चलूं, बस इसीलिए यहां उपस्थित हुआ। जी शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये रहनुमाई अज्ञान के अंधकार से लड़ते लोगों को और ताकत देगी, हिम्मत देगी। जी जरूर, क्यों नहीं, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उन गायत्री देवी के सामने बैठा हूं जो महिला जागृति के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रही है। जी मैं वही गायत्री देवी हूं जिससे आप यहां मिलने आए हैं। पर माफ कीजिएगा, गायत्री देवी इस तरह घूंघट में मुझसे मिलेंगी मुझे यह अपेक्षा नहीं थी। शिक्षित होने का मतलब अपने संस्कारों से दूर हो जाना नहीं है, अपने परिवेश से कट जाना नहीं है, अपने ही लोगों के बीच बेगाना हो जाना नहीं है साहब। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती है? जी कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है साहब कि मैं एक सीधी साधी ग्रामीण महिला हूं। हमारे गांव में समाज में ये पर्दा किसी के अपमान के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों और बड़ों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। आपके पति क्या करते? जी, वो नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब वो हमें छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने का कारण जान सकता हूं? क्योंकि हम उनके काबिल नहीं थे, उन्हें एक पढ़ी लिखी समझदार महिला चाहिए थी और हम अंगूठा छाप थे। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? अब यही मेरा अतीत और यही मेरा भविष्य है। गायत्री देवी अगर आप बुरा ना माने तो आपके पति का नाम जान सकता हूं? हमारे समाज में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूं। जी नहीं, धन्यवाद।
तो मैं चलूंगा, फिर कभी आऊंगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते राहुल जी। मैं साहब को बाहर तक छोड़कर आओ। ठीक है मां, आइए सर। तो राहुल नाम है तुम्हारा? जी सर। क्या करते हो? सर मैंने इसी साल बीए किया है। गुड, आगे क्या करना चाहते हो? जी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज? क्या तैयारी कर रहे हो? आईएएस की सर। दरअसल माँ चाहती है कि मैं बड़ा सरकारी अफसर बनूं। क्या भाई, डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं? पता नहीं सर, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। या गांव में कब से रह रहे? जी मेरी पैदाइश यहीं की है। सीधी ले लेना। अपने पिता के बारे में जानते हो? नहीं सर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा सर। दरअसल वो मेरे जन्म से पहले ही मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। कभी कमी महसूस हुई अपने पिता की? नहीं सर। और क्या क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? जी हमारी एक डेयरी है, बस उस डेयरी के काम में माँ की हेल्प करता हूँ। और माँ के महिला मंडल की तरह हम लोगों ने एक युवक मंडल बनाया सर। और क्या क्या करता है तुम्हारा युवा मंडल? क्या वो भी प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं चलाता है? सर हमारा मकसद निरक्षर लोगों को सिर्फ साक्षर करना नहीं। माँ कहती है कि हम लोग गरीब जरूर हैं मगर बेवकूफ नहीं। यही कारण है कि निरक्षर होते हुए आज तक ग्रामीण समाज अस्तित्व में है। हम लोगों को साक्षर तो करते ही हैं सर, और साथ साथ उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये समझाते हैं कि साक्षर होना किस लिए जरूरी है। अगर कोई आदमी अंगूठा लगाना छोड़कर साइन करना शुरू कर देता है या थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान कर लेता है तो वो उसके लिए काफी नहीं है सर। हम लोगों को ये बताते हैं कि कम से कम इंसान में इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वो कुछ पढ़ सके, अपना हिसाब किताब रख सके, या पत्र पढ़ सके, अखबार पढ़ सके और उनको समझ सके। दरअसल सर हमारा जो युवक मंडल है वो एक भावना पैदा करता है लोगों में कि उन्हें कुछ करना है, कुछ नया करके दिखाना है। हम लोगों को समझाते हैं कि वो बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, अपनी अशिक्षा और अपने अज्ञान के कारण। हम लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी आजीविका को बेहतर ढंग से चलाने के प्रति जागरूक करते हैं सर। तो ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है? सर मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इंसान जागरूक है, अगर इंसान शिक्षित है तो उसे ये सब चीजें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है सर। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस परिवेश में जीते हैं उसके प्रति हमारे कुछ फर्ज है, कुछ दायित्व है। देखिए सर अगर हमारे चारों तरफ निरक्षर लोग हैं तो हमारे साक्षर होने का कोई मतलब नहीं। यदि हमारे चारों तरफ कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, बीमारियां हैं तो हमारे स्वस्थ होने का कोई मतलब नहीं है सर। हमारी सुरक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं। लेकिन अगर हमारे सामने किसी गरीब मासूम किसान के अधिकारों का हनन होता है तो हमारे जागरूक होने का कोई मतलब नहीं है सर। तो हमारा जो युवक मंडल है एक तरह से एक पहरुए का काम करता है। वो इस बात का ख्याल रखता है कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रह जाए, और लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति और ग्रामीण स्वच्छता के प्रति हम लोग जागरूक करते हैं सर। इतना कुछ करते हो तुम लोग? करते क्या है, कोशिश करते हैं सर। तो यहाँ गांव वाले मदद देते हैं तुम्हें इस काम में? सर अशिक्षित और निरक्षर लोगों के साथ काम करने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ सर कि शिक्षा मस्तिष्क के द्वार खोलती है। लोगों की जो संकुचित और संकीर्ण विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं से उनको छुटकारा दिलवाती है। तो हम लोगों की पहली कोशिश होती है कि हम लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो हमारा काम अपने आप ही आसान हो जाता है सर। भाई मैं वाकई प्रभावित हुआ तुम्हारी सोच से और तुम्हारे इस इतने अच्छे काम से। देखो कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक चले आना। जरूर सर। सर बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनमें आपकी जरूरत होगी, लेकिन सर अभी तो मैं इजाजत चाहूंगा, हमारे गांव की सीमा आ गई सर। अच्छा ठीक है, ड्राइवर जरा गाड़ी रोक दो, आप यहाँ से सीधे चले जाना सर, आगे जाके सीधे हाथ को रास्ता मिलेगा। ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्ते।
चाय। शुक्रिया। गायत्री सुनो। जी। वहाँ अंदर कमरे में अलमारी है ना, उसमें मेरी डिक्शनरी रखी है, ला दो। जी। अरे खड़ी क्यों? डिक्शनरी ला दो, अलमारी में रखी है। जी। पता नहीं अंग्रेजी में क्या मांग रहे हैं, अब पूछ लूं जाकर। नहीं, कह रहे थे किताबों की अलमारी में। गायत्री, क्या हुआ, मिली नहीं? ये मांग रहे होंगे, पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अगर ये नहीं मांगा हुआ तो क्या हुआ? जी आई। जी। क्या ये डिक्शनरी है? जी नहीं। तो फिर जाओ ना, डिक्शनरी लेके आओ। चश्मा ले। जी। गायत्री क्या हुआ, डिक्शनरी नहीं मिली क्या? क्या हुआ गायत्री, हा? मैंने तुमसे डिक्शनरी मांगी थी, मिली क्या नहीं मिली? जी मिल गई। मिल गई तो दो ना। क्या ये गायत्री, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने तुमसे डिक्शनरी मांगी और तुम मुझे दे क्या रही हो? पहले चश्मा पकड़ा दी और अब ये दवाई। अच्छा, डिक्शनरी का मतलब जानती हो तुम? किताब, हिंदी में शब्दकोश कहते हैं उसे। दो ना शब्द को। ये शब्दकोश है। पढ़ना आता तुम्हें? पढ़ के बताओ। मैंने कहा पढ़ के बताओ क्या लिखा है इस पे। बड़ा धोखा। मैं तो समझा था कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम तो नहीं पढ़ते, अनपढ़ गवार। अक्षर ज्ञान तक नहीं है तुम्हें। छुओ मत मुझे, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा धोखा किया तुम सब। नहीं, ये सब सहन नहीं करूंगा। हाँ बेटा, आप जानती हो कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ? क्यों, क्या हुआ? अम्मा, तुम्हारी बहू निपट अनपढ़ गवार है। हा? काला अक्षर भैंस बराबर है उसके लिए। तुझे कैसे पता लगा? यकीन नहीं होता, जाओ जाके खुद ही पूछो उससे। उसने कोई इम्तिहान पास नहीं किया, ये तो मैं जानती थी, पर समधी जी ने उसे कभी स्कूल ही नहीं भेजा, इसका मुझे नहीं पता था। तो अब तो पता चल गया ना अम्मा, अब बोलो आप क्या कहती हो? कहना क्या है बेटा, वो तेरी पत्नी है, और फिर हमने कौन सा उससे नौकरी करवानी है? प्रधान जी की बेटी विमला स्कूल में बड़े बूढ़ों को पढ़ाती है, वहीं ले जाकर बिठा दूंगे, सीख जाएगी पढ़ना लिखना। देखो अम्मा, तुम्हारे कहने से मैं उसे घर ले आया, अगर मुझे पता होता ना वो लोग इतना बड़ा धोखा करेंगे मेरे साथ, कभी नहीं लेके आता उसे। बेटा, इसमें कुछ दोष हमारा भी है। तू शहर चला गया, वही छात्रावास में रहने लगा, और मैं भी कभी मिलने नहीं गई उन्हें इस दौरान, बस खबर आती रहती, बहू अच्छी है,
खूब बड़ी हो गई है, समधी जी आते खबर दे जाते, और मुझ मूड़मती ने उनसे कभी ये नहीं पूछा कि वो स्कूल भी जाती है या नहीं। जरा सोचो माँ, जरा सोचो, क्या वो इस लायक है कि मेरे साथ शहर में रह सके? अरे क्या हुआ बेटा, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं तो? जरा सोच तो सही, कितने बड़े घर की लड़की है, रूप और गुण की खान है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। अगर वो नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, तू तो पढ़ा लिखा है ना। वैसे भी पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो उसे नहीं आता तू उसे सिखा देना, और जो तुझे नहीं आता वो तुझे सिखा देगी। काला अक्षर भैंस बराबर है जिसके लिए, वो मुझे क्या सिखाएगी माँ? सलीका, घर गृहस्थी चलाने का सलीका, देखना तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। घर का तो पता नहीं माँ, लेकिन जिंदगी मेरी जरूर नरक बन गई। देवेंद्र, बस माँ बस, तुम्हें बहू चाहिए थी, मैं ले आया तुम्हारे लिए बहू, अब रखो संभाल के अपनी बहू को। तू घबरा मत बहू, अभी वो गुस्से में है, गुस्सा शांत होगा, सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए क्या बात है? जी माँ जी खाने के लिए बुला रहे। क्या कह दो, मुझे भूख नहीं है। खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो, जाती क्यों नहीं? जी आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, शहर जा रहा हूँ वापस नौकरी पर। अभी आपके साथ? जी नहीं, आप मेरे साथ नहीं जाएंगी। जी, पर माँ जी तो मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाती क्यों नहीं? जी आपकी मदद, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अरे जाओ ना बाबा। क्या बात है बहू, देवेंद्र ने कुछ कहा क्या? माँ जी वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? शहर, वापस नौकरी पर। अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है, वो जाएगा तो तू उसके साथ जाएगी, चल मेरे साथ। क्यों रे, ये अचानक कहाँ जा रहा है? छुट्टियां खत्म हो गई हैं माँ, शहर वापस जा रहा हूँ। तो ठीक है, बहू तेरे साथ जाएगी। इस गवार को साथ ले जाकर अपने दोस्तों में मजाक नहीं उड़वाना है मुझे अपना। वाह रे मेरे लाल, कल को तेरे दोस्त तेरी माँ को गवार कहेंगे तो उसे भी छोड़ देगा तू? माँ मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये यहाँ रहे या वहाँ मेरे साथ शहर में, ये यहीं रहेगी बस। कोई और वक्त होता ना तो मुझे इस बात से बहुत खुशी होती, लेकिन जिस तरह तू नाराज होके जा रहा है ना, मुझे तेरे इरादे नेक नहीं नजर आते। माँ इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मुझे जाने दो। अरे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता रे, ये रिश्तों की डोर तो ऊपर वाला बांधता है, हम इंसान तो सिर्फ उसे निभाते हैं। फिर तुम निभाओ ना इस रिश्ते को, मैंने रोका तुम्हें, लेकिन मुझे मत रोको माँ। पत्थर दिल निकलेगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। माँ जी तू घबरा मत बेटी, मैं हूं ना, मत घबरा। छोड़ा है हमें? हाँ माँ, माँ वो मुझे बहुत अच्छे लगे,
पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो हमारी हर मदद करेंगे, मुझे ऑफिस बुला रहे थे। अच्छा तू बैठ, मैं तुझे खाना परोस देती हूँ।